अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज ख़ान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हैं, अच्छी सेहत में। तो जितनी भी माएँ हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रही हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उनके लिए लेकर आएँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि जो माएँ होती हैं ये बड़ी प्यारी होती हैं और हर वक्त कंसर्न में रहती हैं, हर वक्त फ़िक्र में रहती हैं। किसकी फ़िक्र में? अपनी औलाद की फ़िक्र में कि हाय मेरे बच्चे ने ये नहीं खाया, अब मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, अरे इसके तो बाल कमज़ोर हो रहे हैं। तो बेचारे जो मर्द होते हैं, जो बाप होते हैं, वो तो अक्सर कहते रहते हैं कि भाई बस भी कर दो, लेकिन है कि माँ के अंदर से ये हिस कौन निकाले। बहरहाल बच्चे भी बहुत लापरवाह होते हैं, बहुत केयरलेस होते हैं, ऑब्वियसली उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है, उनको खाने के लिए बिठाना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारी डिफिशेंसीज भी अक्सर कुछ बच्चों में हो जाती हैं। आज हम उसी हवाले से बात करेंगे, बच्चों के मुदाफाती अमल के हवाले से भी बात करेंगे, उनकी इम्यूनिटी के हवाले से बात करेंगे, जो आयरन डिफिशेंसी बच्चों में हो जाती है उस हवाले से बात करेंगे। बच्चों पर स्कूल का भी फिर बड़ा बर्डन होता है, बड़ा प्रेशर होता है, लैक ऑफ स्लीप अक्सर हो जाती है, बच्चे लिथार्जिक फील करते हैं, टाइडी फील करते हैं। तो जितने भी बच्चों के जो कॉमन मसाइल हैं उनकी हेल्थ के हवाले से, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर स्मोक का सीज़न आ रहा है, विंटर्स आ रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के जो मसले मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितने भी सवाल आते हैं, आई एम श्योर मेरे और आपके, हम तमाम लोगों के कॉमन होंगे, उस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, जो एक्सपर्ट इन कॉन्वर्सेशन है, उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलती हूँ। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद याकूब काजी साहब। He's HOD of King Edward Medical University and Mayo Hospital, Lahore. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Thank you so much. आपने हमें ज्वाइन किया। तो यकीनन आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि जो माएँ होती हैं वो बड़ी कंसर्न होती हैं, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती हैं, अक्सर तो बिला वजह डॉक्टर के पास चली जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। उनका कंसर्न जो है माओ का, वो मैं समझता हूँ जस्टिफाइड होता है। बच्चे के अलार्म को, डेंजर अलार्म को सबसे पहले माँ स्मेल करती है। Correct. और वो अलार्म ऑफ एंड ऑन जब बजता है और माँ के दिमाग में बेल रिंग करती है, तो नेचुरली वो मतलब अपने मियाँ से भी, जैसे आपने कहा, डिस्कस करती है, एंड शी वांट टू सीक एडवाइस, वो डॉक्टर के पास भी जाना चाहेगी। अब बच्चों के मसाइल, जैसे आपने कहा है ना, हमारे यहाँ सबसे पहला बच्चे का मसला जो है ना, मैं बहसीत एक डॉक्टर समझता हूँ कि माओ की अपनी बोन हेल्थ और जनरल हेल्थ बड़ी कमज़ोर होती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। देन दे गिव बर्थ टू, मतलब बहुत कमज़ोर बच्चे पैदा करती हैं मेजॉरिटी। फिर उसके बाद सेकंड इस सिलसिले की जो कड़ी है कि अक्सर बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता, उस वजह से उनकी कुव्वत मुदाफ़त बड़ी कम होती है, वो बीमारियों का जल्दी शिकार होते हैं, ग़िज़ाई गुरबत का शिकार होते हैं। फिर बहुत सारी माओं को पता नहीं होता कि अब उन्हें अपना दूध नहीं दिया तो दूसरा दूध क्या देंगी, जो मुतबादल सस्ता तरीन दूध वो यूज़ करना चाह रही होती हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो अक्सरियत जो है ताज़ा दूध को इतना पतला करके बच्चे को पिलाते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी तो दूर की बात है, उसकी जनरल हेल्थ, हड्डियां, खून की कमी और ये सारी गजाई कमियों का शिकार होने के साथ साथ वो बेशुमार बीमारियों का शिकार होता है, जिसकी वजह से हमारे, आपको अंदाज़ा होगा कि अंडर 5 मॉर्टेलिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। उसमें ये वाला एज का सेगमेंट जो है, पहले साल वाला और पहले महीने वाला, ये बहुत अहम है। इसमें हमारे बच्चों की शरह मवाद बहुत ज़्यादा है और उसमें एक अहम फैक्टर जो है वो ग़िज़ाई कमी और माँ का दूध मैसर ना आना। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि बच्चों की बर वक्त वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी होती है, पहले 16-17 मंथ्स में। हाँ, तो गवर्नमेंट तो फ्री लगा रही होती है पहले 15 महीने वाली तक की जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है, साजिश नज़र आ रही होती है, वो भी नहीं लगवा रहे होते। हाँ, वो भी नहीं, वो एक बड़ी बच्चे के साथ ज्यादती है कि एक एक सहूलत जो आपके डोर स्टेप पर मैसर है, आप बच्चे को उससे बिला वजह महरूम कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी बीमारियां, खौफनाक बीमारियां, खसरा जैसी, जो बहुत जानलेवा साबित होती हैं या कई दफ़ा बच्चे को जहनी तौर पे मफलूज कर देती हैं जिस्मानी बीमारियों के अलावा, तो आप उससे आसानी से हिफाजती टीका लगवा के बच सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह बच्चों को 4-6 महीने पर दूसरी खुराक का शुरू ना करना, मैं समझता हूँ कि माँ बाप की या माँ की लाइलमी इसमें बहुत शामिल है। फिर आपने आयरन डिफिशेंसी का जिक्र किया, जो बच्चे सिर्फ दूध पे पाल रहे होते हैं या उनकी गज़ा का मेन हिस्सा जो है वो दूध पे होता है, ये बच्चे बहुत सारी गज़ाई कमी का शिकार हो जाते हैं। उसमें आयरन जब नहीं होता, आयरन खून बनाने वाले निज़ाम का एक अहम जुज़ है। आपके अंदर आयरन कम है या आयरन स्टोर्स कम है तो आपका खून बनना कम हो जाएगा, ये बच्चे फिर टांगों में दर्द, थकावट और उसका शिकार रहते हैं और बार बार बीमार होते रहते हैं।
इसी तरह मतलब जिन बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, विटामिन डी लेवल कम होता है, कैल्शियम लेवल कम होता है, ये बच्चे जो सिर्फ दूध पे पाल रहे होते हैं, हमारे जो दूसरे दूध हैं वो और दूसरी गज़ाएँ जो हैं बाकी दुनिया में वो विटामिनाइज्ड होते हैं, जैसे उनके अंदर मतलब सप्लीमेंट डाला जाता है, हमारे यहाँ ये मतलब सहूलत बड़ी कम मैसर है। उस वजह से हमारे अक्सर बच्चे खून की कमी का शिकार होते हैं एक दो साल के दरमियान, इवन 8-9 महीने पे, और हड्डियों की कमज़ोरी का शिकार होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आगाज़ करूँगी कम उम्र बच्चे से और उनके मसाइल से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हर बात का ब्लेम भी तो हमारे यहाँ बेचारी माँ को फ़ौरन से पहले कर दिया जाता है ना, कह रहे भाई माँ ने जो है वो इसका बर वक्त ख्याल नहीं रखा, या इसने तो इसको खाने पर लगाया ही नहीं इसलिए अब बच्चा देखो खाता ही नहीं है। कुछ बच्चे बड़े चूज़ी भी होते हैं डॉक्टर साहब, उनकी माँ डबल बेचारी एफर्ट कर रही होती हैं, वो कोई इतने जानता। अच्छा, अब हम उन बच्चों का जिक्र करते हैं जब उनको सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत होती है। बच्चे समटाइम कुछ बच्चे जो कि चूज़ी होते हैं वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं, माँ को बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। फिर 1.5 साल तक का जब टाइम गुजर जाता है बच्चे यूजली दूध पर ही रहते हैं। ऐसे बच्चे जो कि शुरू में कॉलिक भी होते हैं और जब वो दूध पे रहते हैं उनको सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड टाइमली नहीं लगता तो उनको कॉन्स्टिपेशन के भी बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं जो कि बड़े स्वेयर हो जाते हैं और फिर वालदैन की जो परेशानी है वो बढ़ जाती है। इस स्टेज पर क्या किया जाए? जो पहला आपने कहा ना कि भाई वो कहते हैं बच्चों माँ को हर चीज़ का ब्लेम लेना पड़ता है, जो बाप अक्सर मेरे साथ ये शिकायत करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आप 10 दिन की छुट्टी लें, माँ के साथ मिलके बच्चे को लुक आफ्टर करें। यस यस यस, ताकि हर सवाल के साथ ना बाप के लिए एक मैसेज भी जाएगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि माँ दिलो जान से किस तरह बच्चे को लुक आफ्टर कर रही होती है और क्या क्या उसके लिए वो मुश्किलात में से गुजर रही होती है। तो बहरहाल मतलब जो बच्चे खाना नहीं खाते या रिजेंटमेंट शो करते हैं खाने में, इसका ताल्लुक बच्चे का टेस्ट 6 महीने पे बच्चे की दूसरी खुराक के लिए टेस्ट डेवलप करने से है। बच्चे को दूसरी खुराक का अगर जायका नहीं डेवलप करेंगे तो वो बच्चा खाना पसंद नहीं करेगा, शुरू में थोड़ा बहुत रिजेंट भी करेगा, बट आपके पास फूड चॉइसेस की वैरायटी होती है, वो एक चीज़ नहीं खा रहा दूसरी खा लेगा, तीसरी खा लेगा, चौथी खा लेगा, बट उसको सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट पे लाना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने पे उसकी कन्वर्जन नहीं करते दूध से सेमी सॉलिड डाइट पे, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये काम और मुश्किल होता जाएगा। ठीक है। और फिर ये बच्चा जो है ग़ज़ाई कमियों की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सीला, और फिर रात को ना सोना, टांगे मारना, बेचैन रहना, एक वजह उसकी ग़ज़ाई कमी होती है, उसमें खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, विटामिन डी की कमी है। फिर वो जो विटामिन डी कम हो इसका ताल्लुक इम्यूनिटी से भी होता है, बच्चों में विटामिन डी कम होता है बीमार ज़्यादा होते हैं, इनको नज़ला ज़ुकाम, गला पेट की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो बच्चे फिर ज़्यादा बेचैन और मुस्तरिब रात को रहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि 1.5 साल तक के बच्चे का आपको बाई दैट टाइम बच्चे को अपनी टेबल का मेंबर बना लेना चाहिए, एंड बाई 2 ईयर्स ही शुड बी मतलब रीज़नेबली उसको इतना हो जाना चाहिए कि 2 साल का बच्चा जो है दिन में 3 में मील्स ले और 1-2 स्नैक्स भी दरमियान में ले और दूध की मकदार कम करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि दूध मुकम्मल गज़ा है, दूध मुकम्मल गज़ा है लेकिन बच्चे के लिए 4 महीने तक या 6 महीने तक मुकम्मल गज़ा है, उसके बाद ये मुकम्मल गज़ा नहीं है, इसको दूसरी गज़ाओं के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चा हेल्दी तभी है जब वो मोटा ताज़ा है या थोड़ा सा तगड़ा है। आई एम श्योर बहुत बार आपने अपने करियर में, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, बहुत सारी माएँ आपके पास आई होंगी और वो कहती होंगी कि डॉक्टर साहब बच्चा बड़ा कमज़ोर है, ठीक खाता है लेकिन कमज़ोर बड़ा है। तो अक्सर मैं कभी अपने डॉक्टर्स या अक्सर कभी फ्रेंड्स में शेयर करती हूँ, डॉक्टर अपना चश्मा नीचे करते हैं और वो एक मुस्कुराहट देते हैं कि भाई क्या करना है इसको मोटा करके। लेकिन हमारे यहाँ खूबसूरती का मैार गोरा रंग और हेल्दी बच्चे का मैार ज़रा मोटा तगड़ा बच्चा है, तो बच्चा अनहेल्दी है ये हमें कब पता चलेगा? देखिए, ये जो मोटापे का शौक है ना, ये सम और दी अदर मतलब एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इंसान की, मेरा लगता है कि बच्चे को बहुत सेहतमंद होना चाहिए, जो कि मतलब अच्छा नहीं है। जो पहले 1-2 साल की बच्चे की हेल्थ है वो बहुत सारी फ्यूचर की बीमारियों की प्रेडिक्टिव भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा मतलब 1 साल पे 7-8 किलो के दरमियान है, तो ये फ्यूचर में 35-40 ईयर्स के बाद ये अर्ली डायबिटीज़, अर्ली हाइपरटेंशन, अर्ली स्ट्रोक, उन बातों की भी इंडिकेशन होती है बच्चे की हेल्थ। इसी तरह अगर आप बच्चे को मोटापा दे देते हैं शुरू में,
तो ये जल्दी ब्लड प्रेशर और जल्दी शुगर की भी आने की इंडिकेशन या इलामत या तैयारी होती है। खवातीन में कितने फ़ख्र से बताया जाता है, अक्सर मैं तो हैरान भी होती हूँ कि ऐसे ऐसे कि कोई कंपटीशन लगा हुआ है ना कि जब हमारा तो बच्चा पैदा हुआ तो वो तो 10 पाउंड का था, अच्छा 10 पाउंड का बच्चा नॉर्मली डिलीवर भी किस तरीके से हो गया। तो ये समझते हैं कि जो ओवरवेट बच्चा है या जो ओबेसिटी का शिकार हो सकता है इन फ्यूचर, ये हेल्थ की अलामत है। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है आई थिंक हमारे लोगों इस में। सिलसिले में मैं ये कहूँगा जो 10 पाउंड पैदा करने वाली बच्चा पैदा करने वाली माँ है उसका ब्लड शुगर जल्दी से चेक कराना चाहिए। अगर वो इस प्रेगनेंसी में डायबिटिक नहीं थी तो अगली प्रेगनेंसी में 90% चांस है वो डायबिटिक होगी, और डायबिटिक माओं में बच्चे के अंदर पैदाइशी नकायस पैदा होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए, मोटापा जो है खुशी के साथ साथ बहुत सारी आने वाली बीमारियों की एक पेशन गोई है, उसको भी समझना चाहिए माँ बाप को। और जो लोग मतलब बच्चों को जंक फूड पे लगा देते हैं मोटापे की वजह से, ये सिर्फ ये खाता है, ये खाता है, ये बर्गर खाता है, फलानी चीज़ खाता है, ये सिर्फ इसको पिज़्ज़ा पसंद है, माओं को चाहिए बल्कि वालदैन को चाहिए कि बच्चे को एक नॉर्मल खुराक की तरफ रागिब करें, क्योंकि ये गज़ाएँ इवेंचुअली बच्चे के लिए लॉन्ग रन में बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और ये मैसेज बल्कि उन तमाम ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने प्यार का इजहार समझते हैं कि सिर्फ जंक फूड और जेलीज और चिप्स खिलाकर करेंगे। सो हेल्दी खाना बच्चों को अगर आदत है तो आई थिंक हमारे यहाँ यू नो डॉक्टर साहब बड़े फैक्टर्स होते हैं आसपास के जो लोग हैं, मोहब्बत का, प्यार का इजहार, इसी तरह से जो है ना वो जंक फूड खिलाकर कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं जिक्र करना चाहूँगी खासकर स्कूल गोइंग बच्चों का, जो कि स्कूल का भी हमारे यहाँ यू नो प्रेशर और जो बर्डन है वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा है। फिर इतनी डिसिप्लिन भी हमारी कोई लाइफ नहीं है, लाइफस्टाइल जो हमारा है, स्लीप पैटर्न है, वो पेरेंट्स का अगर डिस्टर्ब होगा तो वो डेफिनेटली बच्चों का भी होगा। फिर हम ये रीज़न अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं कि जब माँ बाप वक्त पे नहीं सो रहे, बच्चे भी लेट सो रहे हैं, तो बच्चा पूरा दिन क्रैंकी होगा, वो लिथार्जिक फील करेगा, वो थका हुआ होगा, वो गुस्से में होगा। तो ऐसे बच्चे जो कि चिड़चिड़े होते हैं उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं या कौन कौन सी डेफिशिएंसीज भी हैं? मैं आई कांट एग्री मोर देन दिस विद यू कि मतलब जो बातें आपने कही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें माँ बाप का बहुत रोल है। दूसरा, बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी बड़ी कम हो गई है। ठीक है, घरों के करीब पार्क भी हैं तो वो मतलब इस तरह के नहीं हैं कि लोग लेके जा सकें बच्चों को, मतलब एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर जो हमारा सोशल पैटर्न है, रात को 12-1 बजे सोने वाला, बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं 8 बजे सो जाए, वो मुमकिन नहीं है। फिर बच्चों को ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने, गैजेट्स ने, मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम्स ने इतना ज़्यादा इन्वेड कर लिया है कि तकरीबन हर छठे बच्चे को ऐनक की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी नज़र कमज़ोर हो रही है। और उसके अलावा उस बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से उसकी जिस्मानी सेहत भी कमज़ोर हो रही है, मुतासर हो रही है, गैर महसूस तरीके से हो रही है। फिर उसके बाद जो आपने कहा कि भाई बच्चों की नींद, हमारे पास हेडेक वाले बच्चे पिछले चंद सालों में इतने ज़्यादा स्कूल गोइंग आ रहे हैं कि उनको डॉक्टर पहले कहता है नज़र चेक करा लिया, फ़लानी चीज़ चेक करा लिया। मैंने कहा ये सोता कितने बजे? सोता बड़ा कम है, ये रात को देर तक वो मोबाइल देखता है, व्हाट्सएप देखता है, वीडियो गेम्स देखता है, ये करता है, वो करता है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब बच्चे की स्लीप पूरी नहीं होगी, उसकी स्कूल के अंदर काम करने की कैपेसिटी बड़ी कम होगी। फिर मोस्ट ऑफ़ दीज चिल्ड्रन ये सुबह सुबह सोए हुए माँ बाप उनके मुँह पर थोड़ा पानी डाल के उनको उठा के गाड़ी में लाद के स्कूल के दरवाजे पर उतार आते हैं, और उसमें ना बच्चे ने नाश्ता किया है, ना बच्चे ने मतलब प्रॉपर सुबह उठ के अपने आप को मतलब फ्रेश अप किया है। तो ये सारी चीज़ें मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को सुबह ज़रा जल्दी उठाएं और उसको थोड़ी बहुत अगर पॉसिबल हो वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, नाश्ता करें प्रॉपरली, फिर उसको स्कूल में ड्रॉप करें ताकि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। अब बच्चे ने नाश्ता नहीं किया तो घंटे डेढ़ बाद उठा तो या उसको चिप्स और आपने कोक का पैकेट वो एक बॉटल दी हुई है तो वो तो उसका घंटे डेढ़ में ब्लड शुगर लेवल फॉल करेगा तो उसको मतलब पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, बच्चा बेचैन रहेगा, मुस्तरिब रहेगा। फिर उसकी अगर जिस्मानी कमज़ोरियां, जैसे आपने कहा जिस्मानी कमज़ोरी में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि हमारे बच्चों में बहुत सारी गज़ाई कमियों की वजह से उनका हीमोग्लोबिन लो होता है, कैल्शियम लेवल लो होता है, मिनरल्स का लेवल लो होता है, उस नतीजे में बच्चों की ईजी फिटिगेबिलिटी, थकावट ज़्यादा होती है, हर वक्त ड्राउजी सुस्त महसूस करते हैं, थकावट ज़्यादा महसूस करते हैं। तो ऐसा बच्चा जो मतलब वो जैसे कहते हैं ना, भूख आदाब के सांचों में ढल नहीं सकती,
मतलब भुखा बंदा आराम नाल सो नहीं सकता, ये वाली बात जो है, भूखा बच्चा, थका हुआ बच्चा कभी आपको अच्छी स्माइल या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। उसके लिए आपको चाहिए कि बच्चे को उसकी ये ज़रूरियात पूरी करें ताकि आपके घर में भी एक सुकून हो और माशरे के अंदर ये बच्चा एक बेहतर किरदार अदा कर सके। करेक्ट, जो स्कूल को उससे मैक्सिमम इम्बाइब करें। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अब आई थिंक ये बहुत बड़ा नंबर होगा और मामू का बड़ा एक ही सेम कंसर्न होगा, बच्चे सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं और उनको सुबह खिलाना वही वाली आप वाली बात के ठंडे पानी के छींटे डाले और लाद कर उनको स्कूल के बाहर और फिर आजकल यू नो थैंक्स टू द मोटिवेशनल स्पीकर्स के भी सख्ती नहीं करनी तो वो भी हमारे जहनों पर बातें काफ़ी हद तक सवार हैं, तो हम बहुत ही प्यार और नरमी से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं कि नहीं ज़बरदस्ती भी नहीं करनी, विच इज़ फेयर, ठीक है, हर एक के घर का अपना पैटर्न है। लेकिन अब हम उन बच्चों की बात करते हैं कि जो सुबह सिर्फ एक दूध का ग्लास या माँ एक सर फीडर मुँह में दे देती है नींद में ही और वो खाली पेट जाते हैं, ऐसे बच्चों को लंच बॉक्स में कौन सा हेल्दी ब्रेकफास्ट दिया जा सकता है कि जो उनके दिन भर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस कम से कम नाश्ते में या उनके लंच बॉक्स में पूरे किए जा सके। देखें, बाकी दुनिया में ना स्कूलों में मिड मॉर्निंग ब्रेक के अंदर बच्चों को दूध या स्नैक्स सर्व होते हैं, ये दास्तान हमारे गरीब मुल्कों की है। सुबह 6 बजे टूथ दिया जाता है यहाँ पे बच्चे को, थोड़ा बहुत कोई और कुछ नहीं तो एक चॉकलेट ले लो और तुम गाड़ी में बैठ के खा लेना, यू नो। इसका जो नुकसान हो रहा है ना, जब आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो इसकी लॉन्ग टर्म एक कॉम्प्लिकेशन जो है ना, अर्ली डायबिटीज़ है। आपको पता है पाकिस्तान में हर चौथा बंदा डायबिटिक है, यानी 100 में से 25 बंदे डायबिटिक हैं, जो बाकी 75 हैं उनमें से आधे प्री डायबिटिक हैं। उसमें ये खाने पीने का पैटर्न और इन चीज़ों को समझना और समझाना और ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे को मतलब खाली पेट भेजेंगे, उसका ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करेगा, वो मीठी चीज़ों के लिए उससे क्रेविंग होगी, वो स्कूल में भी वही चीज़ें खाएगा, पिज़्ज़ा बर्गर्स और ये वो सिलसिला, लेवल उसका ग्लूकोज का राइज करेगा, उसके पैनक्रियास को इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगी। ये फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा, ये अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ की तरफ एक कदम है, अपार्ट फ्राम अदर रीजन्स जो है। दूसरा ये है कि जब बच्चे का ग्लूकोज लेवल कम होता है ना, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, यॉन करता रहेगा क्लास में, थका हुआ महसूस करेगा, उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो इम्बाइब करनी चाहिए स्कूल से, जो उसको फ़ायदा उठाना चाहिए पूरा, वो नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए मतलब माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को जल्दी सुलाएँ, जल्दी उठाएँ और थोड़ा पहले उठा के उसको फ्रेश अप करें, नहला धुला के उसको प्रॉपर नाश्ते की ट्रेनिंग दें। अब वो जो अंडा पराठा वाला नाश्ते का कॉन्सेप्ट था, वो कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। और साथ भी देने के लिए जो माँ बाप चिप्स बना के दे देते हैं या उसको जूस का पैकेट दे देते हैं, तो जो है वो क्लास में बच्चों की तो वो यू नो कि नगेट्स नहीं अगर लेकर आए या कुछ फैंसी लंच बॉक्स नहीं लेकर आए, अंडा पराठा, ये वाली चीज़ें दूर हो गए हमें। हाँ, दूर हो गए, लेकिन मतलब एक्चुअल जो हमारी स्टेपल डाइट है वो बहुत अच्छी डाइट थी। हमें अपने बच्चों को अपनी जो मरवज़ा गज़ाएँ थीं जो हमारे कन्वेंशनली यूज़ हो रही थीं, बच्चों को उनके करीब रखना चाहिए या बच्चों को उनके लिए तरगीब देनी चाहिए, वो बड़ी अच्छी गज़ाएँ थी, उनके साथ बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। अब जूस का एक जो पैकेट है वो तो बेसिकली शुगर कॉन्टेंट है और उसके अंदर फ्लेवर है। अक्सर लोग समझते हैं इसके अंदर बहुत सारे सेब डाले हुए हैं, मगर उसके अंदर सेब ज़्यादा नहीं है, सेब का फ्लेवर है और शुगर है मोस्ट ऑफ़ द टाइम, तो वो किसी तरह भी हेल्थ के लिए मतलब अच्छी नहीं है। आप ये देखें कि 2002 से गालबन WHO कह रहा है पाकिस्तान हाईएस्ट कैंसर प्रोड्यूसिंग जोन है, उसमें हमारी ग़ज़ाओं के अंदर केमिकल्स का आना, फूड कलर्स का आना, बहुत सारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा हमारे बहुत सारी गैर ज़रूरी अशिया, पॉलीथीन का इस्तेमाल, हमारे ये माइक्रोवेव में मतलब हर चीज़ गर्म करना, ये सारी चीज़ें, देर आर सो मैनी फैक्टर्स। चूँकि आज का हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि फूड कलर्स और ऐसी ग़ज़ाओं से जो मतलब अवॉइड की जा सकती हैं ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें, अगली जनरेशन को बचा सकें, जिनका हमें पता है। मतलब ये जो मतलब हम ऑयल को जहाँ समोसे बन रहे होते हैं, पकौड़े बन रहे होते हैं, वही ऑयल को जब आप बार बार बॉयल होता है उसके अंदर जो चीज़ें डालते हैं, इट इज़ वन ऑफ द कैंसर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स, कार्सिनोजेनिक होता है। और ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, अगर हमारे लोगों को मिल जाए, माओं को मिल जाए, पता हो कि भाई इस ऑयल को उसके बाद डिस्कार्ड कर देना है, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, इसको बार बार बॉयल नहीं करना, तो ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो हम बाहर से बच्चों को लेके देते हैं, वो एक मेरा ख्याल है जो एक कढ़ाई में तेल होता है वो एक महीना तो चलता होगा ज़रूर, उसके अंदर थोड़ा बहुत तो ज़रूर डाल देते होंगे। ये सारे फैक्टर्स माँ बाप को अगर मतलब नॉलेज में हों और वो ये चीज़ें वो अपने घर में ताज़ा बच्चों को बना के भी दे सकती हैं,
तो उसके साथ वो बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल रह गए हैं, उनमें से जो सबसे मोस्ट एक कॉमन क्वेश्चन था कि बच्चों का कद क्यों नहीं बढ़ रहा, ये सवाल का जवाब मेरे ख्याल से कि एक पूरा शो अलग से डिज़ाइन हो सकता है कि माओं के कंसर्न जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकते। बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और बहुत सारी बातों की क्लैरिटी आपने मुझ तक और उन तमाम माओं तक आपने पहुँचाई जो कि अक्सर कशमकश या परेशानी का शिकार रहती हैं, जिन सवाल के उनको जवाब नहीं मिल पाते हैं। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। Stay with us.